तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के डे में हम बात करने वाले हैं 1.1. ये वीपीएन जो आप मेरे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे इस वीपीएन को कनेक्ट कर रहे हो तो आपके फ़ोन में आता है डिवाइस नो रजिस्टर एरर कुछ आ रहा है आपके सामने। बेसिकली आपका जो यहाँ पे वीपीएन है कनेक्ट नहीं हो पा रहा आपके फ़ोन में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज के डे में आपको बताऊंगा कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। बहुत ही आसान है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके यहाँ पर पॉसिबल जो वर्किंग सॉल्यूशन है मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बैक आना है पावर बटन, सॉरी जो आपका यहाँ से प्ले स्टोर होता है उसे आपको ओपन कर लेना होगा। देन यहाँ पे आपको वीपीएन सर्च करना है। अब यहाँ पे गाइस, अगर आपको अपडेट शो कर रहा है तो आप जरूर से आपको अपडेट कर लेना होगा। अब यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अपडेट कर लिया था फिर आपको अपडेट शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, इसे आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ से गाइस आप इसे इंस्टॉल भी कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा से आपको इंस्टॉल करना होगा, ये वैसे ऑप्शनल है, ठीक है। आप करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन आपको अपडेट जरूर से कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे गाइस, अगर आपने ये काम कर लिया फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, एक काम करिए, आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन करिएगा, देन ऐप्स को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स को ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पे गाइस हमें सर्च ऐप्स में आके जो हमारा 1.1 वीपीएन है इसे हम सर्च कर लेंगे। थोड़ा सा गाइस ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड अभी थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है हमारा वीपीएन जो है आ चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टोरेज में आएंगे, देन नीचे मिलेगा क्लियर डेटा, यहाँ पे आके जस्ट हमें क्लियर ऑल डेटा कर देना होगा। जैसे गाइस आप क्लियर ऑल डेटा कर दोगे, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अपना फोन का पावर बटन दबाना है, फोन को रीबूट यानी कि एक बार रिस्टार्ट कर लेना होगा। जैसे आपका फोन ऑफ होकर ऑन होगा, आप देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम थी 110% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से गाइस जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर 110% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, यहाँ पे वैसे तो हो जाएगी, लेकिन बाय चांस अगर 1-2% बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उनके लिए गाइस एक यहाँ पर एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने ये सब सॉल्यूशन ट्राई कर लिए फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यानी कि ये आपके फ़ोन के साथ कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि गाइस आपके मतलब फ़ोन में नहीं चलेगी, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हर एक ऐप का यहाँ पे हमें अल्टरनेट मिल जाता है, यानी कि उसकी कॉपी टाइप मिल जाती है जो कि सेम ही काम करती है। तो यहाँ पे गाइस आप एक काम कर सकते हो, इस वीपीएन की जगह आप कोई और यहाँ पे वार्प वीपीएन, जैसे इसका नाम वार्प वीपीएन कुछ टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आप क्या करिए, कोई और यहाँ पे वीपीएन आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे में वीपीएन मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे टर्बो वीपीएन, थंडर वीपीएन, ऑक्टो आईडी, सब में वीपीएन मिल जाएंगे जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इन्हें यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जगह अगर कोई ऐप आपके फ़ोन में नहीं चले तो आप उसका अल्टरनेट जो है यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, उस ऐप वो जो ऐप आपकी इजिली चल जाएगी। अब इस ऐप से रिलेटेड आप अल्टरनेट गूगल पे सर्च कर सकते हो, वीडियो पे सर्च कर सकते हो, वैसे आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस आप उन वीपीएन को यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।